hello and welcome to 100% maths आज हम करेंगे क्लास टेंथ के लिए चैप्टर नंबर फिफ्टीन प्रोबेबिलिटी के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस इससे पहले मैंने इसकी दो वीडियोस करी हैं प्रोबेबिलिटी के सिर्फ एमसीक्यूज करवा रखे हैं आज मैं आपको बताऊंगी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं और उन्हें हमें सिंपली कैसे सॉल्व करना है विथ सम स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर ऑल ऑफ यू तो ये वीडियो जो है वो क्लास टेंथ के लिए इम्पॉर्टेंट है टर्म वन के लिए और रिविजन प्रोसेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँची रहे तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सो स्टार्टिंग विदर्ट क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग टेक्सट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम सो ऑन अ वीड रानी वॉज प्लेइंग कार्ड विद हर फैमिली द डेक इफ हर ब्रदर card, तो कार्ड्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ठीक है सिंपल जैसे हमें एमसीक्यूज आते हैं वैसे ही ये केस स्टडीज होती हैं. जस्ट एक स्टोरी होती है ऊपर जस्ट उसको रीड करना होता है इसमें कुछ भी specifications नहीं है सिर्फ बताया गया है कार्ड्स की गेम खेल रहे हैं ठीक है और 52 कार्ड्स हैं ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इस क्वेश्चन के लिए 52 टू है तो क्वेश्चन नंबर वन पे चलते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर सो वी हैव हमें पता है कि रेड कलर के जो कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं 26 होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली 52 टोटल होते हैं 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं है ना अब उसमें से बोला किंग कितने हैं रेड कलर के तो हमें पता है कि फोर किंग्स होते हैं टू ब्लैक होते हैं और टू क्या होते हैं रेड होते हैं तो हमारे पास रेड की बात हो रही है सो टू रेड किंग्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ठीक है टू रेड किंग्स हो गए तो उसकी कटिंग हो जाएगी वन अपॉन ट्वेंटी सिक्स आ जाएगा सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड सो एज वी नो दैट फेस कार्ड फेस मतलब होता है फोटो कार्ड कभी कभी ये वाला वर्ड भी यूज किया जाता है तो हमारे पास 52 कार्ड्स में 12 फोटो कार्ड्स होते हैं ठीक है तो 12 अपॉन 52 यानी कि इसकी कटिंग कर देंगे तो 6 अपॉन 26 फिर से हो सकती है कटिंग 3 अपॉन 13 ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है फेस कार्ड कितने होते हैं ट्वेल्व होते हैं फोटो वाले कार्ड्स ठीक है क्योंकि तीन हमारे हो गए किंग हमारे सॉरी चार किंग्स होते हैं चार क्वींस होती हैं और चार ही हमारे जैक होते हैं उन्हीं के ऊपर फोटो बनी होती है ना बाकी कार्ड्स तो सिंपल होते हैं तो ये इस तरह से टोटल बारह कार्ड्स हो गए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट्स तो जैक ऑफ हार्ट्स की बात की गई है सो so, यहाँ पर हार्ट हार्ट के कितने पत्ते होते हैं तेरह पत्ते होते हैं और उसमें से सिर्फ एक ही जैक होता है जो हार्ट का होता है सो आंसर इज वन बाई फिफ्टी टू सो बेसिकली पूरे के पूरे हमें जो ये कार्ड्स हैं उनके बारे में नॉलेज अच्छी होनी चाहिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सो so आंसर क्या आया है ऑप्शन नंबर बीस का आंसर है ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कैसे क्या बताया था कि हमारे पास ट्वेल्व होते हैं थीके? तो ट्वेल्व में से 6 होते हैं रेड होते, है? होते हैं तो हमें यहाँ पर रेड पूछा गया है तो सिक्स रेड कार्ड रेड फेस कार्ड्स डिवाइडेड बाई फिफ्टी टू सो ये आ जाएगा थ्री अपॉन ट्वेंटी सिक्स यानी कि ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड तो हमें पता है कि ये जो फिफ्टी टू कार्ड होते हैं इसमें हमारे पास चार तरह के पत्ते होते हैं स्पेड क्लब हार्ट हार्ट और डायमंड ठीक है ना तो तेरह स्पेड्स होते हैं तेरह क्लब होते हैं तेरह हार्ट होते हैं तेरह ही डायमंड होते हैं है ना तो यहाँ पर थर्टीन स्पेड हो, हो गए क्योंकि स्पेड क्या पूछा था तो थर्टीन स्पेड होते हैं डिवाइडेड बाई टोटल नंबर यानी कि वन बाई फोर यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है अगर क्लब भी पूछा होता तब भी वन बाय फोर आंसर होता चाहे हार्ट चाहे डायमंड तो जैसा पूछा हो तो थर्टीन बाय फिफ्टी टू यानी कि वन बाई फोर इसका आंसर है नेक्स्ट केस स्टडी नंबर टू रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम राहुल एंड रवि प्लान टू पे प्ले बिजनेस बोर्ड गेम इन विच दे वर सपोज टू यूज टू डाइज तो वे एक बिजनेस गेम खेल रहे हैं जैसे हम छोटे होते खेलते थे बिज़नेस गेम ठीक है बोर्ड गेम और उनको उसके में क्या यूज़ करना है टू डाइस यूज़ करने हैं ठीक है तो जब भी टू डाइस की बात आती है तो हमारे आउटकम्स कैसे होते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रही हूँ तो दीज आर द आउटकम्स वेन वी थ्रो टू डाइस ठीक है सिंपल वन डाइज का तो आपको पता ही वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स होते हैं जब हमारे पास टू डाइस थ्रो होते हैं तो वी हैव थर्टी सिक्स नंबर ऑफ आउटकम्स ठीक है तो ये बनते कैसे हैं आपको पता ही है वन 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 टू वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स द सेम वे अदर तो कितने आउटकम्स हो गए टोटल थर्टी सिक्स पहले तो ये बात बड़ी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए आपको क्वेश्चन नंबर वन रवि कॉड फर्स्ट चांस टू रोल द डाइस वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइज़ एट तो कहता है जो भी हाँ दोनों नंबर्स का सम होगा दोनों डाइज पे वो एट होना चाहिए ठीक है तो कौन कौन से आउटकम्स हैं ऑब्वियसली सी बात है दो अगर थ्री फाइव होगा तब एट बनेगा टू सिक्स होगा तब एट बनेगा या फोर फोर होगा तब एट बनेगा या फाइव थ्री होगा तब एट बनेगा या सिक्स टू होगा तब एट बनेगा है ना इस तरह से आउटकम्स होंगे तभी एट बनेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ रहे हैं ये देखो सिक्स टू फाइव थ्री फोर फोर थ्री फाइव टू सिक्स ठीक है तो पाँच हो गए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि फाइव बाई थर्टी सिक्स ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आउटकम्स अगर लिखे होंगे तो ये इससे बहुत जल्दी आप आंसर निकाल लोगे जस्ट फ्यू सेकेंड्स में तो ये टिप्स आप याद रखो अब ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ओके क्वेश्चन नंबर टू राहुल गेट गॉट नेक्स्ट चांस व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज थर्टीन अब कहता है कि दो नंबर्स का जो सम है वो थर्टीन होना चाहिए तो आप देखो टोटल भी करके देखो तब भी सिक्स प्लस सिक्स कितना होता है ट्वेल्व होता है तो कोई भी नंबर आप किसी भी नंबर से ऐड कर लो क्योंकि ऑब्वियसली नंबर्स तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ही हैं और दूसरे पे भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ही हैं आप जैसे मर्जी ऐड कर लो थर्टीन कैसे भी करके नहीं बनेगा आप देख लो चाहे थर्टी सिक्स आउटकम्स में कोई भी नंबर ऑफ सम जो है सम ऑफ टू नंबर्स थर्टीन नहीं बनाएगा सो so आंसर क्या है जीरो डिवाइडेड बाय थर्टी सिक्स यानी कि जीरो तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है ओके क्वेश्चन नंबर थ्री Now it was Ravi's turn. He rolled the dice. What is the probability that he got the sum of the two numbers appearing on the top face of the dice is less than or equal to 12? तो क्या बोला है? Less than or equal to 12. 12 से तो सारे कम हैं. ठीक है, सारे के सारे outcomes 12 से less हैं. यहाँ तक देखो, 12 से लेकर सारे के सारे outcomes less हैं. और ये equal to 12 है, यानी कि हम सारे outcomes लेंगे. 36 by थर्टी सिक्स यानी कि वन आ गया तो ऑप्शन नंबर क्या है ए आंसर है क्योंकि लेस देन ट्वेल्व तो होगा आप इस दोनों का सम करो तो टू बन रहा है इन दोनों का सम करो तो थ्री बन रहा है इस दोनों का सम करो फोर फाइव एवरी नंबर इज़ लेस देन ट्वेल्व है ठीक है लेस देन ट्वेल्व है लेस देन ट्वेल्व है और ये सिक्स प्लस सिक्स करोगे तो ये ट्वेल्व के इक्वल है तो उसने सभी मांगे हैं लेस देन और इक्वल टू ट्वेल्व बोला था तो 36 सिक्स आउटकम्स हो गए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी उतने ही हैं तो आंसर इज वन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर राहुल गॉट नेक्स्ट चांस वट इज़ द प्रोबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज इक्वल टू सेवन आप सेवन बनना चाहिए टॉप फेस पे तो वन प्लस सिक्स करोगे तो सेवन बनेगा टू प्लस फाइव करोगे थ्री प्लस फोर करोगे फोर बाई फोर प्लस थ्री करोगे फाइव प्लस टू और सिक्स प्लस वन तो कितने नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे सिक्स सिक्स बाई थर्टी सिक्स यानी कि वन बाई सिक्स तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है okay question number five

सिक्स तक तो एट ही बन रहा है ठीक है ये छोड़ दो फर्स्ट टू लाइंस तो बनेगा ही नहीं थ्री फोर सेवन बन रहा है थ्री फाइव एट बन रहा है यहाँ तक हो गया थ्री सिक्स ले सकते हैं ठीक है नाइन बन रहा है ग्रेटर देन एट है फोर फाइव ले सकते हैं फोर सिक्स ले सकते हैं फाइव फोर ले सकते हैं फाइव फाइव ले सकते हैं फाइव सिक्स ले सकते हैं देन सिक्स थ्री ले सकते हैं सिक्स फोर सिक्स फाइव और सिक्स सिक्स तो ये सारे आउटकम्स हैं जिनमें ग्रेटर देन एट बन रहा है सम है ना तो यहाँ से आउटकम्स टोटल कर लेते हैं हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो दस आउटकम्स हैं जिनमें हमारा जो सम ऑफ टू नंबर्स है टॉप डाइज पे ग्रेटर देन एट बन रहा है सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं थर्टी सिक्स यानी कि फाइव बाई एटीन तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मूविंग टू केस स्टडी नंबर थ्री रोहित वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स इन इज क्लास ऑन इज बर्थ डे चॉकलेट्स तीन टाइप्स की हैं मिल्क वाइट एंड डार्क चॉकलेट तो ये तीन तरह की चॉकलेट्स वो बांटना चाहता है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसकी क्लास में फिफ्टी फोर है और हर एक को चॉकलेट मिलेगी ठीक है एवरी वन गेट्स अ चॉकलेट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तो दो चीजें यहाँ पर गिवन है सबसे पहले चॉकलेट्स तीन टाइप्स की हैं मिल्क वाइट एंड डार्क चॉकलेट और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं फिफ्टी फोर है और हर एक को चॉकलेट मिल रही है तो ऑब्वियसली फिफ्टी फोर चॉकलेट्स होंगी टोटल

ना टोटल नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स भी कितनी हो गई फ़िफ्टी फोर हो गई तो अगर मैं मिल्क चॉकलेट्स की प्रोबेबिलिटी निकालूँ तो एक्स बाई फिफ़्टी फ़ोर आएगी है ना और मुझे प्रोबेबिलिटी गिवन भी है कितनी गिवन है क्वेश्चन में वन बाय थ्री दोनों को इक्वेट कर देते हैं हमें मिल्क चॉकलेट्स की वैल्यू मिल जाएगी इस फिफ्टी फोर को उधर ले जाओ फिफ्टी फ़ोर डिवाइडेड बाई थ्री दैट इज़ एटीन यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर एक बार फिर से सुन लीजिए नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट्स x मान ली मैंने ठीक है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं फिफ्टी फोर उसने कहा था एवरी वन गेट्स अ चॉकलेट यानी कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स भी तो फिफ्टी फ़ोर होंगी तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स भी कितनी होगी फिफ्टी फोर तो नंबर ऑफ़ मिल्क चॉकलेट्स की प्रॉबर्टी अगर निकाली जाए तो x बाय फिफ़्टी फोर आएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स फिफ्टी फोर हैं और मिल्क चॉकलेट्स x हैं x बाय फिफ्टी फोर और एक प्रॉबर्टी मुझे क्वेश्चन में भी गिवन है वन बाय थ्री इसको एक वेट कर दो एक्स कितना आया एटीन यानी कि फिफ्टी फोर में से अट्ठारह मिल्क चॉकलेट्स हैं ये बात तो क्लियर हो गई ठीक है सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डार्क चॉकलेट्स इज फोर बाई नाइन नंबर ऑफ डार्क चॉकलेट्स रोहित हैज तो नंबर ऑफ डार्क चॉकलेट्स लेट कर लेती हूँ मैं ठीक है नंबर ऑफ डार्क चॉकलेट्स इज इक्वल टू वाई ठीक है मान लिया वाई चॉकलेट्स हैं नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 54 तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स भी कितनी हुई 54 यानी कि y बाई फिफ्टी इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई और एक प्रोबेबिलिटी मुझे क्वेश्चन में भी गिवन है 4 बाई नाइन उसको इक्वेट कर दो इस 54 को उधर ले जाओ 54 फोर मल्टीप्लाई बाय फोर डिवाइडेड बाय नाइन नाइन सिक्स सा सिक्स फोर सा ट्वेंटी तो ट्वेंटी डार्क चॉकलेट्स आ गई ठीक है अब यहाँ पर मुझे मिल चुका है 54 टोटल नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स हैं जिसमें से पिछले क्वेश्चन में मैंने निकाला है अट्ठारह मिल्क चॉकलेट्स हैं और ट्वेंटी फोर डार्क चॉकलेट्स हैं ठीक है ये निकल गया थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग वाइट चॉकलेट्स अब यहाँ पर आपको पता था कि तीन टाइप की चॉकलेट्स हैं है ना टोटल फिफ्टी फोर चॉकलेट्स हैं ठीक है उसमें से मैंने निकाली 18 मिल्क चॉकलेट्स और ट्वेंटी फोर डार्क चॉकलेट्स ठीक है और वाइट चॉकलेट्स अभी हमें पता नहीं है वो हम निकाल सकते हैं ऑब्वियसली 54 माइनस इन दोनों को ऐड कर दो 18 प्लस 24 54 माइनस एट फोर ट्वेल्व ये हो जाएगा 42 यानी कि 12 वाइट चॉकलेट्स आ गई ठीक है यहाँ थर्ड पार्ट तक हमने ये सारी चीज़ें निकाली हैं ट्वेल्व वाइट चॉकलेट्स बट हमें यहाँ पर वाइट चॉकलेट्स की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो कितनी वाइट चॉकलेट्स हैं ट्वेल्व और टोटल चॉकलेट्स कितनी हैं फिफ्टी फ़ोर ठीक है तो आंसर आ जाएगा इसको कटिंग कर दो टू सिक्स सा टू टू सा फोर एंड टू सेवन सा फिर से थ्री के टेबल पे थ्री टू सा एंड थ्री नाइन सा टू बाई नाइन यानि कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है ओके फोर्थ पार्ट प्रोबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग बोथ मिल्क एंड वाइट चॉकलेट सो मिल्क वाली कितनी थी 18. वाइट वाली कितनी थी ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली बारह ठीक है तो एटीन प्लस ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है फिफ्टी फ़ोर ठीक है सो एटीन प्लस ट्वेल्व कितने हो गए थर्टी डिवाइडेड बाई फिफ़्टी फोर तो ये हो जाएगा हमारा आ, कटिंग करके आ जाएगा थ्री के टेबल पे कट कर रही हूँ थ्री टेन सा थ्री वन सा थ्री थ्री एट सा फिर टू के टेबल पे फाइव सा दैन वी हैव हाँ नाइन पे फाइव बाई नाइन तो एक तो ये तरीका भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ठीक है एक और तरीका भी है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पर मिल्क चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी वन बाय थ्री है ना और वाइट चॉकलेट की हमने यहाँ पर निकाली थी टू बाय नाइन है ना तो आप वन बाय थ्री और टू बाय नाइन को प्लस भी कर सकते हो तो नाइन एलसीएम ये हो जाएगा थ्री प्लस टू तब भी आपका आंसर फाइव बाई नाइन आएगा ठीक है तो तय इस मेथड से कर लो या इस मेथड से आंसर विल रिमेन सेम फाइव बाई नाइन मिल्क और वाइट चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो या फिर मिल्क और वाइट चॉकलेट्स की क्वान्टिटी को ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कर दो ठीक है सेम ही बात होती है क्वि फिफ्थ पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल द चॉकलेट्स सारी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो फिफ्टी की फिफ्टी कर दी डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स यानी कि वन तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बीस का आंसर है ओके तो ये है इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड आंसर्स तो लास्ट केस स्टडी पे मूव कर रही हूँ थ्री पर्सनस टॉस थ्री कॉइन्स साइमटेनियसली एंड नोट द आउटकम्स तो सबसे पहले जब हमारे पास थ्री कॉइन्स होते हैं तो क्या आउटकम्स होते हैं वो देख लेते हैं पहले हम तो सबसे पहले अगर थ्री कॉइन्स हैं तो सबसे पहला आउटकम एच, एच 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 तीनों पे अगर हेड आया है एक पे टेल आ गई एच एच टी हो गया दूसरे पे टेल आ गई तीसरे पे हेड ही रहेगा और टेल को यहाँ शिफ्ट कर दिया ये चार आउटकम्स ऐसे बना लिए। अब हेड, हेड एक रहेगा दो टेल हो जाएंगी टेल टेल हेड, टेल हेड, टेल एंड लास्ट इज टेल 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 ठीक है अब जब तीन कॉइन्स टॉस हुए तो हमारे पास इस कॉइन वाले को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है अगर हमारा वन कॉइन टॉस होता है ठीक है तो हमारे कितने आउटकम्स होते हैं है हेड एंड टेल है ना अगर तो हमारा दो कॉइन टॉस होते हैं तो हमारे कितने आउटकम्स होते हैं एच 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 टी टी एच एंड टी टी चार आउटकम्स होते हैं यानी कि टू की पावर एन फार्मूला होता है इसका अगर वन कॉइन है ठीक है तो टू आ जाएगा टू आउटकम्स होते हैं अगर टू कॉइंस हैं तो टू की पावर टू फोर और अगर थ्री कॉइन्स हैं तो कितने आउटकम्स बनेंगे टू की पावर थ्री एट और अगर फोर कॉइन्स हैं तो सिक्सटीन आउटकम्स होंगे इस तरह से चलता है ठीक है अब अगर ये आउटकम्स लिखे होंगे तो फिर आंसर जल्दी आ जाएगा द प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल अब दो चीज़ें यहाँ पर बहुत बार यूज करी होंगी एक एट मोस्ट और एक एट लीस्ट ठीक है एट मोस्ट का मतलब होता है मतलब जैसे यहाँ पर लिखा है एट मोस्ट वन टेल मतलब एक टेल तो होनी चाहिए नई भी होगी तब भी चलेगा ठीक है और लीस्ट का मतलब हो रहा है होता है वन टेल तो होनी चाहिए वन से ज्यादा भी हो सकती हैं मतलब मोस्ट पीछे की तरफ चलता है एटलीस्ट आगे की तरफ चलता है ठीक है तो क्वेश्चंस करते हैं फिर पता चल जाएगा मोस्ट वन टेल एट मोस्ट वन टेल का मतलब है वन तो होनी चाहिए वन से नहीं भी होगी टेल तब भी चलेगा ठीक है तो ऐसे आउटकम्स क्या आएंगे हमारे वन तो होनी चाहिए इसमें भी वन है इसमें भी वन है इसमें भी वन है वन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ज्यादा वाले केस नहीं कंसिडर करने नई भी होगी तब भी चलेगा तो ये वाला केस भी ले सकते हैं यानी कि क्या हो गया फोर बाई एट नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए वन टू थ्री फोर ठीक है फोर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे एट तो आंसर आया वन बाई टू यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट द प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हैड एग्जैक्टली वन हैड तो वन हैड किस केस में होगा अब आप देखो इस आउटकम्स को आप दोबारा से चेक करो आउटकम्स में सिर्फ एक हैड चाहिए एक हैड इसमें है एक हैड इसमें है और एक हैड इसमें है ठीक है यही तीन है ठीक है जिसमें एक एक हैड है तो कितने आउटकम्स ये तीन तो थ्री बाई एट यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है ओके नेक्स्ट थर्ड पार्ट एग्जैक्टली थ्री टेल्स एग्जैक्टली थ्री टेल्स आपकी किस किस में होंगे तो चेक करो एग्जैक्टली थ्री टेल्स किस में है सिर्फ एक ही ऐसा केस है जिसमें तीन टेल्स होती हैं तो टी 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 वाला ठीक है तो वन बाई एट यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है ओके नेक्स्ट फोर्थ पार्ट द प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट थ्री हेड्स एट मोस्ट थ्री हेड्स आई एम राइटिंग द आउटकम्स वंस अगेन हेयर ठीक है टू मेक अंडरस्टैंड बेटर एच एच टी एच टी एच टी H एच दैन वी हैव टू टेल्स विद वन हैड एच T टी दैन एच T H T, then T T H, last one is T T T. Okay? At most three heads. At most का मतलब होता है थ्री तो होने चाहिए थ्री से कम भी हो सकते हैं तो तीन हेड्स किस में होते हैं इस केस में तीन से कम मतलब दो भी हो सकते हैं तो ये वाले केस भी ले लेंगे एक भी हो सकता है ठीक है और जीरो भी हो सकता है तो सारे केस आ जाएंगे ठीक है सो एट बाई एट दैट इज इक्वल टू वन यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है थ्री हेड्स मेंशन कर दिया ना तो थ्री तो होनी चाहिए ठीक है थ्री टू भी हो सकते हैं वन भी हो सकते हैं या जीरो भी हो सकता है सारे केस ले लेने हैं ठीक है लास्ट क्वेश्चन एंड ऑफ दिस केस स्टडी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट टू हेड्स ठीक है At लीस्ट टू हेड्स वंस अगेन हम इस आउटकम्स को चेक करेंगे ठीक है At लीस्ट टू हेड्स मतलब दो तो होने चाहिए दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं तो दो वाले केस कौन से हैं पहले वन टू थ्री दो इसमें है ना एक दो और तीन है ना अब दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि at least में ज़्यादा की बात करते हैं तो तीन भी हो सकते हैं तो ये वाला केस भी ले लेंगे यानी कि आंसर क्या आया फोर बाई एट यानी कि वन बाई टू कम नहीं होनी चाहिए ऐट के केस में एटलीस्ट में ज़्यादा हो सकते हैं एटमोस्ट में हमारे कम वाली चीज़ लेते हैं ज़्यादा वाली चीज़ नहीं लेते ठीक है तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है ठीक है सो आज की वीडियो के लिए इतना ही आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे ये मैंने ओसवाल और शिवदास की बुक है उससे लिए हैं ये वाले क्वेश्चन सारे तो नेक्स्ट मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए रिवाइज कर लीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जब भी आए तो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए रिवाइज़ करिए हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू